गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो टैली ईआरपी 9 में प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज दिया हुआ था और उसको सॉल्व करने के लिए मैंने बोला है। मैंने दोनों ऑप्शन प्रोवाइड किए हैं, जिनके पास सिस्टम नहीं है कॉपी में सॉल्व करके भेजें, जिनके पास सिस्टम है सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करके भेजें। उसमें से मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि सर 3 नंबर और 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो समझ में नहीं आ रहा। मैंने बोला था नेक्स्ट वीडियो पे मैं वो बताऊंगा, तो मैं यहाँ पे समझाना चाहूँगा, आप ध्यान दें। ये जो 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसकी यदि हम बात करें परचेज फिटिंग्स फॉर कैश, सिंपल सा है, फिटिंग परचेज किया उसने कैश में। अब फिटिंग कोई भी आइटम्स आप बना सकते हैं, नहीं भी बनाना तो आप इसको हटा भी सकते हैं, सीधा भी आप कर सकते हैं परचेज फॉर कैश, यानी कि एंट्री जो बन रही है किसकी बन रही है परचेज की कैश में, यानी कि कैश में हमने खरीदा 800 रुपये का, क्या खरीदा इसमें लिखा था फिटिंग खरीदा, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी खरीद सकते हैं, सिंपल सा है। हम परचेज इसकी जगह हम दूसरा कुछ भी लिख सकते थे, माउस भी लिख सकते थे, परचेज माउस फॉर कैश 800 रुपये। ओके, तो अब मेरे समझ में आपको समझ में आ जाएगा, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। कैश में परचेस करना है आइटम तो कोई भी हो सकता है, मैंने किसी भी एंट्री में आइटम को बाउंडर नहीं किया। ओके, एक था 12 नंबर की एंट्री पेड मनोहर इन सेटलमेंट, ये एक्चुअल में मनोहर से हमने उधार खरीदा होगा, ये देखिए बॉट गुड्स फ्रॉम मनोहर, मनोहर से हमने खरीदा है तो पूरा पैसा ना दे के 5,000 हमने खरीदा था, 5,000 ना दे के सेटलमेंट किया गया, यानी कि उसको कितना दिया गया अभी 2,000। इस वर्ड से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, मैं यहाँ पे इसको भी हटा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। पेड मनोहर इन, अब मनोहर को हमने पैसा दिया, ये एंट्री करना है, पेमेंट वाउचर पे करना है। अब मनोहर को क्यों पैसा दिया हमने, क्योंकि हमने उससे खरीदा था और पूरा पैसा नहीं दे रहे, सेटलमेंट कर रहे अभी, और पूरा पैसा यानी कि उसको तो पाना 5,000 है, दे अभी हम 2,000 रहे। तो इसमें इस एंट्री में सीधा पेड मनोहर ही 2,000, मनोहर को 2,000 रुपये हमने दिए। तो इस प्रकार से ये जो दोनों प्रॉब्लम्स आपने भेजी थी वो मैंने आपको सॉल्व किया इस वीडियो में। यदि आगे और भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है किसी भी स्टूडेंट को, तो मुझे मैसेज कर सकता है या कॉल भी कर सकते हैं, और मुझसे आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं और मैं आपको बता दूंगा, मैं डायरेक्ट भी सोल्यूशन आपको बता दूंगा, साथ में यदि मेजर प्रॉब्लम है सबकी है तो वीडियो बनाकर भी आपको बता दूंगा। ओके, तो इस प्रकार से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की जो मैं क्लास आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है वाउचर्स। वाउचर्स हमने टाइप ऑफ ग्रुप्स पढ़े, प्रीडिफाइंड जो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप के माध्यम से ही हम लेजर को क्रिएट करते हैं। तो हमने विभिन्न प्रकार के ग्रुप्स सीखे, कितने प्रकार के ग्रुप है और उन ग्रुप का यूज हमें किस लेजर के अंतर्गत करना चाहिए। ग्रुप के साथ साथ अब हमको लेजर की जानकारी होना भी बहुत आवश्यक है। जब तक हमारे पास लेजर की जानकारी नहीं होगी और वाउचर की जानकारी नहीं होगी तब तक हम ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। सही लेजर क्रिएट करना, इसके बाद टैली ईआरपी 9 में सही वाउचर का सिलेक्शन करना, यही स्टेप होते हैं। मैंने बताया था जब भी हम एंट्री करते हैं फर्स्ट डेट पे देखो, ध्यान दो वाउचर कौन सा आपको चाहिए उसको ध्यान दो, और सही लेजर बनाना चाहिए। तो हमने लेजर बनाना सीख लिया, डेट भी सीख लिया, अब है वाउचर। तो वाउचर एक्चुअल में होते कहाँ हैं, तो पहले आपको टैली ईआरपी 9 में ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। वाउचर एक्चुअल में है क्या, जो ट्रांजेक्शन करते हैं उस ट्रांजेक्शन को, जो डॉक्यूमेंट को हम रिकॉर्ड में रखते हैं उसको वाउचर्स कहते हैं। और वाउचर्स की यदि मैं बात करूं, जब हम ट्रांजेक्शन, ये देखिए अकाउंटिंग वाउचर्स, यहाँ पे दो तरीके के वाउचर्स हैं, एक अकाउंटिंग वाउचर, ये आपका ट्रांजेक्शन पार्ट है, ये पार्ट अभी हमने यूज किया, इसके दोनों ऑप्शन हमने यूज किए हैं।
अकाउंटेंट को भी यूज किया, इन्वेंट्री भी यूज किया, लेकिन अभी कुछ डिटेल में हमको उनमें पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि हमारा अकाउंटेंट को फ्री हो गए, हम पूरा पढ़ लिया, अभी ऐसा नहीं है ना। इन्वेंट्री पूरा पढ़े हैं, आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी बेसिक हमने पढ़ लिया। अकाउंटेंट को का बेसिक हो गया और इन्वेंट्री का हो गया। बाउचर ट्रांजेक्शन की बात करूं तो अभी हमने अकाउंटिंग बाउचर यूज किया, इन्वेंट्री हमने अभी एक भी नहीं यूज किया है। ये इन्वेंट्री बाउचर कहलाते हैं, अभी इनका तो यूज हमने किया ही नहीं है। अकाउंटिंग बाउचर हमने यूज किया है, तो अकाउंटिंग बाउचर कौन से होते हैं, इधर देखिए दिया होता है, इन्हीं का हमने यूज किया, जिसमें से देखिए हमने यूज कर चुके हैं कॉन्ट्रा का भी, पेमेंट का भी, रिसीप्ट का भी। जर्नल की अभी तक हमने कोई एंट्री नहीं की है। सेल्स वाउचर भी यूज किया है, क्रेडिट नोट यूज नहीं किया है, परचेस यूज किया है, डेबिट नोट यूज नहीं किया है, रिवर्सिंग जर्नल वाउचर इसके लिए ऑन करना पड़ता है, ये भी हमने यूज नहीं किया। अब मेमोरेंडम वाउचर होता है, ये भी अभी हमने यूज नहीं किया। तो बेसिक तौर पे हमने कुछ वाउचर्स यूज किए, लेकिन मैं पहले आपको ये सारे वाउचर्स डिटेल में समझा दूंगा, बता दूंगा, इसके बाद फिर धीरे धीरे प्रैक्टिकल के रूप में इन वाउचर्स को हम यूज करते जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वाउचर की मैंने यहाँ पे दो कैटेगरी ही बनाई है, एक अकाउंटिंग वाउचर रखा है टैली RP9 और दूसरा मैंने इन्वेंट्री वाउचर इन टैली RP9। अब यदि मैं बात करूँ अकाउंटिंग वाउचर्स की, ये मेरे अकाउंटिंग वाउचर्स हैं, जिसका कि आपको मालूम भी है फंक्शन, इस अकाउंटिंग वाउचर का मतलब। और कंट्रा एंट्री वाउचर द फंक्शन की, फंक्शन की मतलब शॉर्टकट की जो यूज करते हैं F4। इस तरीके से आपको सीखते जाना है। दूसरा पेमेंट, रिसीव, जर्नल, सेल्स, परचेस, डेबिट, क्रेडिट, रिवर्सिंग और मेमोरेंडम, जो अभी मैंने दिखाया मेमो वाउचर। तो पहले इनकी डिटेल थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता चलता हूँ, इसके बाद फिर इसी प्रकार से इन्वेंट्री वाउचर में हम सेल्स ऑर्डर, परचेस ऑर्डर, रिसीप्ट नोट, डिलीवरी नोट, रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट और स्टॉक जर्नल, फिजिकल स्टॉक, ये सारे वाउचर्स पढ़ेंगे और सभी वाउचर्स में एंट्री करना भी सीखेंगे। यदि आप पर डे वीडियो देखते रहेंगे तो टैली में आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। टैली में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको मेरे पर डे वीडियो देखना होगा, ये सारे वाउचर्स मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, इसके साथ साथ सभी का मैं एग्जाम्पल्स भी बताऊंगा। ओके, चलिए तो मैं पहले अकाउंटिंग वाउचर्स से स्टार्ट करता हूँ। मैं एक्चुअल में दोनों मिक्स बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने कैटेगराइज डिवाइड कर दिया, ये आप लिख लीजिएगा, समझा एक साथ देता हूँ, अकाउंटिंग और इन्वेंट्री वाउचर। ओके, ये आपको कैटेगरी के रूप में मैंने यहाँ बता दिया, ये आपके जो वाउचर्स हैं अकाउंटिंग वाउचर्स हैं और ये आपके क्या हैं इन्वेंट्री वाउचर्स। अब एक एक करके थोड़ा बता देता हूँ। रिसीप्ट वाउचर, जैसा कि आपको मालूम है रिसीप्ट वाउचर का हमने यूज भी किया है, रिसीप्ट वाउचर का जो हमने यूज किया एक्चुअल में वो आपको मालूम भी है, क्या यूज है आपका रिसीप्ट वाउचर का, मैं आपको बताना चाहूँगा। जब भी बिजनेस में पैसा प्राप्त हो, चाहे वो कैश में हो, चाहे वो चेक में हो, यानी कि हमारे अकाउंट पे हो, बैंक में हो, यानी कि हमको कोई भी पैसा यदि ये बिजनेस में देता है, चाहे वो कैश में देगा या तो फिर हमें किस में देगा, बैंक के माध्यम से देगा, तो उसकी एंट्री जो होगी किस में होगी, रिसीप्ट वाउचर। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, आप इसको नोट लेंगे, नोट कर लेंगे कॉपी पेन में, कॉपी और पेन उठाएं और इसको नोट करें। मैं बोल रहा हूँ पहले भी कि आप कॉपी लेकर बैठा करें, सीधा लिखिए, जब भी बिजनेस में हमको पैसा प्राप्त होता है, चाहे कैश से हो या फिर चेक से हो, उसकी एंट्री हम रिसीप्ट वाउचर में करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे रुपेश से 5,000 रुपये प्राप्त हुए, यहाँ पे वाउचर सेलेक्ट करने के लिए टैली RP9 शॉर्टकट की हम क्या यूज करेंगे, F6। रिसीप्ट वाउचर को यूज करने के लिए हम F6 का यूज करते हैं। कई एंट्री हम, ये देखिए F6 दिया हुआ है, कई एंट्री हम रिसीप्ट वाउचर में कर भी चुके हैं, रुपेश से पैसा प्राप्त हुआ, चंद्रकांत से पैसा मिला, इस प्रकार की कोई भी एंट्री हो, हमने कैपिटल पूंजी लगाया, ये भी रिसीप्ट में होगी क्योंकि हमारे कैश में आना है, कैपिटल पूंजी हम बन गई है। ओके, नेक्स्ट, जस्ट अपोजिट, हमें पैसा यदि मिलता है तो हम किसका यूज करेंगे, रिसीप्ट वाउचर का
और यदि हम अपनी कंपनी से पैसा देते हैं किसी को भुगतान करते हैं, चाहे वो कैश में हो चाहे वो बैंक में हो, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? पेमेंट वाउचर यूज करेंगे। जब भी बिजनेस में किसी को भुगतान किया जाएगा, चाहे वो कैश हो चाहे चेक में हो, एंट्री पेमेंट वाउचर में। ओके, बिल्कुल सही, बहुत शॉर्टकट आपको लिखना है। जब भी आपको पैसा मिले, चाहे कैश या चेक रिसीप्ट वाउचर, जब भी आप पैसा किसी को दें, कैश या बैंक पेमेंट वाउचर। और इसके लिए जो शॉर्टकट की है, ये आप जरूर ध्यान देते जाएं। जब आप डेफिनेशन बताएंगे तो साथ में आपको शॉर्टकट की भी एग्जाम में बताना होगा, क्योंकि इनकी शॉर्टकट की। और सबसे बेहतर तो ये भी होगा कि आप एक एग्जाम्पल बना के भी बताते जाएं, क्योंकि एग्जाम्पल आते हैं, मैं यहाँ नहीं लिख रहा। एग्जाम में लिखने का जो तरीका होगा वो यही होगा कि आप वाउचर बताएं और एक एग्जाम्पल लिखें। फॉर एग्जाम्पल, मोहन से 10,000 रुपये प्राप्त हुए या कैश मिला, तो उसका एक क्वेश्चन लिखा और उसी की एक एंट्री बना के दिखा दिया। ऐसे ही हमने अरुण को 10,000 रुपये दिए, एक हमने क्वेश्चन लिखा पेमेंट वाउचर का, उसी पर एक एग्जाम्पल बना लिया। तो एक अच्छे नंबर्स लाने के टिप्स हैं, तरीके हैं। तो आप ध्यान दें, मैं रिसीप्ट वाउचर आपको बताया, पेमेंट वाउचर बताया, अब बात करते हैं परचेज। हम परचेज, ये दोनों वाउचर यूज कर चुके हैं, परचेज भी हम यूज कर चुके हैं। जब भी बिजनेस में माल गुड्स खरीदा जाएगा, तब उसकी एंट्री हमेशा परचेज वाउचर में होगी। समझ में आ गई? जब भी हम कोई भी आइटम्स प्रोडक्ट्स यदि हम खरीदते हैं अपने बिजनेस में, तो उसकी एंट्री हमको किस में करना है? परचेस वाउचर में करना है। इसमें दो तरह की विंडो होती है, जिसमें स्टॉक की डिटेल होती है, आपको मैंने दिखाया, और एक जो होती है डेबिट और क्रेडिट। दोनों विंडो को स्विच करने के लिए आप यहाँ पे ध्यान दें, कंट्रोल बी को दबाना है, विंडो को सेलेक्ट कर सकते हैं। और शॉर्टकट की जो यूज करना है वो आपकी क्या होगी? F9। मैं यहाँ थोड़ा दिखाना चाहूँगा आपको, परचेज वाउचर की यदि बात करूँ मैं, दोनों विंडो कैसे आती हैं। अभी मैंने एक ही एंट्री बताया था, आगे चल के उससे रिलेटेड भी मैं एंट्री बताऊँगा। फॉर एग्जांपल, मान के चलिए ये एंट्री मैं कर रहा हूँ, पार्टी क्रिएटर राम। ओके, जब आप यहाँ परचेज करने जाते हैं तो यहाँ देखिए जो आइटम बने होंगे वो आप देख सकते हैं। एक तो आपका ये मोड हो गया, एक जो हमने आपको बताया जब आप परचेस करते हैं आप इसका मोड चेंज कर सकते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया, इसको मैं इधर रख देता हूँ थोड़ा सा। कैसे चेंज कर सकते हैं? यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको जिक्र किया कि दो विंडो स्विच होती हैं, एक तो आपकी होती है जिसमें स्टॉक की डिटेल बननी होती है, दूसरी DR और CR। कंट्रोल डी कैसे? यहाँ आप ध्यान दें, अकाउंटिंग वाउचर इनवाइस एज ए वाउचर, मैं यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस करता हूँ या इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए चेंज हो गया। इसमें अंतर क्या आपको मिलेगा? इनवाइस नहीं बनेगी, राम और सीधा एंटर किया, हमें इसमें प्रोडक्ट नहीं बताना पड़ेगा, हम सीधा सीधा जो भी है न्यू रेफरेंस और ये हमने दिया और सीधी इसकी एंट्री कर दिया। प्रोडक्ट जो हम बताएंगे इसकी बाद में डिटेल हमको यहाँ पे भरनी है। इस तरीके से ये देखिए, इस तरीके से ये विंडो डिस्प्ले होती है। यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट आता है। अब मैंने 6,000 लिखा था, 700 को ही प्रोडक्ट खरीदा, इसलिए बाई टू और बाई आपका बार बार आता रहेगा जब तक पूरा अमाउंट आपका बराबर नहीं हो जाएगा। मान लीजिए मैं इधर कर देता हूँ आपका 750 ही कर देता हूँ, तो बाई हट जाएगा पूरी डिटेल इस प्रकार से। ये आप कहाँ से चेंज किया? मैंने कंट्रोल वी से। यदि मैं इसी को इनवाइस में चेंज करूँगा तो कंट्रोल वी फिर से प्रेस कर दूंगा, सॉरी ये इनवाइस में आपका चेंज हो गया। ये देखिए, ये एंट्री तो मैंने आपको बताया था। इनवाइस में चेंज करने से क्या है? यहाँ पार्टी नेम परचेस लेकर यहाँ आ जाता है, और इसमें चेंज करने से क्या होता है?
इनवाइस नंबर यहाँ आता है टू, और यहाँ पे बाई पर्टिकुलर में ही सारी वीडियो मिल जाती है। तो ये आप ध्यान दें, आगे मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब मैं इसका यूज और अच्छे से बताऊँगा। और ये ओनली अकाउंटिंग वाउचर्स है। देखिए एक और यहाँ पर पाया जाता है जो अकाउंटिंग वाउचर्स था, ये नॉर्मल मैंने किया अकाउंटिंग इनवाइस यहाँ पे किया मैंने। इसमें देखिए ऐसे आपको डिस्प्ले होगा, ये मोड हम चेंज कर सकते हैं परचेज 500 रुपये का सीधा एंट्री कर सकते हैं। इसमें अकाउंटिंग मोड में एंट्री हो जाएगी, आइटम बताने की आवश्यकता नहीं है। टैली कई प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मान लीजिए आपको आइटम डिटेल नहीं रखना है, सीधा आप एंट्री करना चाहते हैं अकाउंटिंग टू अकाउंटिंग, तो आप अकाउंटिंग टू अकाउंटिंग भी एंट्री कर सकते हैं। सीधा पार्टी का नाम और परचेज वाउचर, ये ओल्ड तरीका है। जब टैली के पहले वर्जन आते थे तो ऐसे ही होते थे। कई ऐसे वर्जन से मैंने आपको समझाया था जिसमें एंट्री इन्वेंट्री की फैसिलिटी नहीं थी, उनमें सब में इसी तरीके से यूज किया जाता है। लेकिन द बेस्ट तरीका यही है कि आप क्या आइटम प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं उनकी पूरी डिटेल रखें, जिससे आपको पता रहे और उसको सेल भी आसानी से कर सकें। ओके, तो ये मैंने स्विचिंग करके आपको दिखाया। इस प्रकार से यहाँ पे हमारा तीसरा वाउचर भी कंप्लीट हुआ। अगला वाउचर है हमारा सेल्स वाउचर। जब भी बिजनेस से हम माल बेचा जाएगा या बेचते हैं उसकी एंट्री हमेशा सेल्स वाउचर में होती है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ और आप कर भी चुके हैं। तो यदि हम कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसकी एंट्री हमारी कहाँ होगी, सेल्स वाउचर में होगी। इसके इसमें भी दो तरीके के आपके, जिस प्रकार से मैंने परचेस में दिखाया इसमें भी दोनों विंडो पाए जाते हैं। एक में स्टॉक डिटेल होती है, एक में स्टॉक डिटेल होगी, एक में स्टॉक डिटेल नहीं होगी। ये आप देख लीजिए, ये पूरा आपका आप समझ सकते हैं। ये देखिए स्टॉक डिटेल देनी होती है, और एक वो जिसमें DR और CR बना होता है। दोनों विंडो में स्विच करने के लिए कंट्रोल V का ही यूज करते हैं। वाउचर को सेलेक्ट करने के लिए टैली RP9 की शॉर्टकट की फंक्शन F8 का यूज करते हैं। मैं इसमें भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे सेल्स वाउचर मैंने F8 से सेलेक्ट किया, इसमें भी सेम वही मिलता है आपको। अकाउंटिंग इनवाइस भी है, एज ए वाउचर है, इसमें भी हम चेंज कर सकते हैं। ये इसलिए हमको फैसिलिटी टैली RP9 प्रोवाइड करता है कि हम अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें एंट्री कर सकें। ओके, तो हमारे चार वाउचर कंप्लीट हुए। पांचवा हमारा कॉन्ट्रा वाउचर है। कॉन्ट्रा वाउचर जैसा कि आपको मालूम है, आपने यूज किया है, बैंक से पैसा निकालना, बैंक में पैसा जमा करना, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा को ट्रांसफर करना, इस प्रकार के कोई भी ट्रांजेक्शन यदि हमको करना है तो हमें कॉन्ट्रा वाउचर का यूज करना होगा। बैंक से कैश निकालना और बैंक में कैश जमा किए, इस तरह की एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में होगी। अर्थात जब बिजनेस का कैश उसी के एक अकाउंट से निकालकर दूसरे अकाउंट में जमा होता है, जो भी उसकी बिजनेस अकाउंट है, तब ये एंट्री कॉन्ट्रा में होगी। मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश और बैंक टू बैंक, ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये जो मैं हाईलाइट किया करूँ इनको जरूर नोट कर लिया करिए, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। कैश टू बैंक, हम कैश बैंक में जमा करें, बैंक टू कैश, बैंक से कैश निकालें, बैंक टू बैंक, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करें, इन लगभग तीन नो एंट्री या इससे रिलेटेड कोई भी अदर एंट्री के लिए भी जिससे हमें बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करना है, उसके लिए हमें कॉन्ट्रा वाउचर का यूज करना पड़ेगा। और कॉन्ट्रा वाउचर के माध्यम से हम उस एंट्री को पूरा करेंगे, जैसा कि हम एग्जांपल प्रीवियस वीडियो में बता भी चुके हैं। ओके, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाउचर की मैं बात करूँ, डेबिट मोड वाउचर्स, ये आपके लिए नया है। अभी तक मैंने डेबिट नोट वाउचर का यूज नहीं किया, आगे बस हम डेबिट नोट वाउचर का यूज करेंगे। जो माल हमने खरीदा यदि वो गलत या खराब आ जाए, तब उस माल को वापस करने की एंट्री को डेबिट नोट वाउचर में यूज किया जाता है। नोट कर लीजिए, मान लीजिए हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा
किसी से उधार खरीदा या कैश खरीदा। कई बार ऐसा हो जाता है प्रोडक्ट आने पे हमको कई प्रोडक्ट खराब मिले तो हमको उसको क्या करना पड़ता है, वापस करना पड़ता है। तो जब हम उस प्रोडक्ट को वापस करेंगे कहीं ना कहीं हमें एंट्री तो करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा प्रोडक्ट तो मान लीजिए 10 पीस हमने खरीदा तो हमेशा 10 पीस बताता रहेगा, जबकि 3 पीस हमारे खराब हो गए हमने वापस किया तो उसकी वापस करने की एंट्री हमको करना पड़ेगा, यानी कि परचेस रिटर्न। बात करूँ तो परचेस रिटर्न की एंट्री हम किस में करते हैं, डेबिट नोट। फॉर एग्जाम्पल राम को 3000 का माल वापस किया, तो इसकी एंट्री हम किस में करेंगे, डेबिट नोट पे, और इसकी जो शॉर्टकट की होगी Ctrl+F9 होगी। ये वाउचर तभी काम करेगा जब हम डेबिट नोट का फीचर्स इनेबल करेंगे। अभी हमने इस फीचर्स को इनेबल नहीं किया हुआ है, आगे चल के मैं ये फीचर्स इनेबल करूंगा और मैं इनका यूज भी आपको बताऊंगा। ये एक्चुअल में मैं आपको यहाँ क्लियर भी कर दूँ, देखिए मैंने यहाँ कैटेगरी डिवाइड की थी अकाउंटिंग वाउचर के अंदर ही, डेबिट नोट हमने यहाँ पर देखा, कॉन्ट्रा भी पढ़ा, पर पेमेंट भी पढ़ा, रिसीप्ट वाउचर पढ़ लिया, जर्नल अभी नहीं पढ़ा, सेल्स पढ़ लिया, परचेस एंट्री हमारी हो ही गई, ठीक है, और डेबिट नोट, ये अकाउंटिंग वाउचर्स के ही अभी हम वाउचर्स पढ़ रहे हैं। अगले वाउचर्स की मैं बात करूं तो क्रेडिट नोट आपके दिमाग में शायद क्लिक कर गया होगा, जस्ट अपोजिट। अभी परचेस रिटर्न का वाउचर हमने पढ़ा, डेबिट नोट यानी कि हमने जिससे माल खरीदा था उसको वापस किया, ओके? अब हमें ऐसा भी तो होगा जो हमसे खरीदा होगा वो भी तो वापस ला सकता है, तो उसकी एंट्री हम कहाँ करेंगे, उसकी एंट्री के लिए क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट वाउचर जो माल हमने बेचा यदि वो गलत या खराब निकलता है तो उस माल को वापस लेने की एंट्री हमको क्रेडिट नोट वाउचर में करनी होगी, क्योंकि हमको माल मिल रहा है, वापस हो रहा है। जैसे सुरेश ने 2000 का माल वापस किया तो अब इसकी एंट्री हमको करना होगा, इस वाउचर की एंट्री हम किस में करेंगे, क्रेडिट नोट पे, और इसकी शॉर्टकट की जो होगी Ctrl+F8 होगी। ये वाउचर भी तभी काम करेगा जब हम क्रेडिट फीचर्स को क्या करेंगे, इनेबल करेंगे। यदि मैं बात करूं क्रेडिट और डेबिट नोट वाउचर्स की, तो जब तक मैं इस फीचर्स को ऑन नहीं करूंगा, इनेबल नहीं करूंगा, तब तक इनका हम यूज नहीं कर सकते, ओके? तो हमारे यहाँ तक 7 वाउचर्स कंप्लीट हो गए। मैं एक वाउचर्स और आपको बताना चाहूँगा, 8वां स्टॉक जर्नल वाउचर्स। ये वाउचर तभी काम करता है जब हम गोडाउन का यूज करते हैं, अभी हमने कोई गोडाउन यूज नहीं किया है। जब हम गोडाउन अपना समझ गए होंगे आप लोग, गोडाउन मीन्स गोदाम बनाए। मान लीजिए हमारे पास शॉप है तो आपको मालूम है दुकान पे कई गोडाउन होते हैं, कई एक मान लीजिए हमारा रामघाट में, एक कामतन में, एक सीतापुर में, ऐसे गोडाउन हमको क्रिएट करना है। तो जब हम वो गोडाउन ऑप्शन फीचर्स यूज करेंगे, गोडाउन को क्रिएट करेंगे, उस समय इस वाउचर को इनेबल किया जाएगा और स्टॉक को वेरीफाई किया जाएगा। इस वाउचर में स्टॉक को एक गोदाम से दूसरे गोदाम में ट्रांसफर किया जा सकता है। मैं एक उदाहरण के तौर पर यहाँ समझाऊंगा, मान लीजिए हमने 50 पीस कीबोर्ड मंगाए, आपको मालूम है हमारी दुकान में 50 पीस कीबोर्ड रखने की जगह नहीं, दुकान छोटी है, हमने गोदाउन बना रखा है, गोडाउन हमारे 2 हैं, कामतन एक सीतापुर में, 50 में से हमने डिवाइड कर दिया, 25 हमने सीतापुर में रख लिया और 20 पीस हमने कामतन में रख दिया, 5 पीस हमने दुकान में रख लिया, ओके, 5 पीस ओनली बेचने के लिए। अब बेचते रहे, 5 पीस हमारे खत्म हो जाएंगे तो हमें कामतन गोडाउन या सीतापुर से दुकान में लाना पड़ेगा, तो उसको हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो कामतन से हम फिर 5 पीस ट्रांसफर कर लिए, मान लीजिए कामतन में 20 थे तो वहां से 5 पीस हम दुकान में ट्रांसफर करना है, तो इसके लिए हमको क्या आवश्यकता होगी, स्टॉक जर्नल वाउचर। हम खरीद तो रहे नहीं ना बेच रहे,
आपस में अपने गोडाउन से एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में स्टॉक को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। जब आपस में हम एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में स्टॉक को ट्रांसफर करेंगे, उसकी एंट्री जो होगी वो किस में होगी, स्टॉक जनरल वाउचर के अंतर्गत होगी। इसके लिए जो हम वाउचर यूज करेंगे, शॉर्टकट की जो होगी आपकी अल्ट प्लस F7 होगी, आप उसको ध्यान दें। और इस स्टॉक जो वाउचर हमारा हो, स्टॉक को एक गोडाउन गोदाम से दूसरे गोदाम में जब ट्रांसफर किया जाता है तब इस वाउचर का यूज किया जाता है। बहुत सिंपल सी डिफरेंस। तो यहाँ तक हमारे 8 वाउचर्स कंप्लीट होते हैं और आज का वीडियो मैं यही क्लोज करना चाहूँगा। ये 8 वीडियो में से कुछ, सॉरी 8 वाउचर्स में से कुछ वाउचर्स तो आपने यूज कर लिए हैं, कुछ वाउचर्स रह गए हैं, उनकी एंट्री हम आगे सीखते जाएंगे एक एक करके। बचे हुए वाउचर्स मैं नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगा। इसके साथ साथ कल मैं कुछ एंट्री भी नई आपको सिखाऊंगा। ओके, आज का वीडियो मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। ओके, थैंक्स।